बल्ले के साथ लौट आए ऋषभ पंत, एनसीए में मचाया गदर। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही गेंदों को भेजा बाउंड्री पार। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में वापसी के लिए कर दिया ऐलान। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। इस वक्त टीम इंडिया के धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक्सीडेंट के चलते चोटिल हो गए थे। उनके लिगामेंट या घुटने में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, इस वजह से पिछले 6 महीने से क्रिकेट से पूरी तरह से दूर हैं। इस वक्त एनसीए में रिहैब कर रहे हैं और अपनी फिटनेस पर जमकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर भी मानते हैं कि एक आदमी जिस तरह से फिट होता है, जिस तरह से रिकवर होता है, उससे ज़्यादा स्पीड में ऋषभ पंत रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून है कि इस बार टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना है। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इस बार भारत में होना है। टीम इंडिया इस बार अपने घर पर खेलेगी। ऋषभ पंत भी चाहते हैं कि वो किसी भी सूरत पर फिट होकर टीम इंडिया से जुड़ जाएं, ताकि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में काफ़ी मदद कर सकें। आपको दादू, ऋषभ पंत पहले चलने की प्रैक्टिस शुरू की, फिर दौड़ने की, फिर जिम में वजन उठाने की प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन अब ऋषभ पंत बल्ले के साथ नेट में भी उतर आए हैं। जी हाँ, नेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंद जिसका सामना वो करते हैं उसकी रफ्तार बताई जा रही है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जिस स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, उन गेंदों का सामना अभी हल्के अनफिट ऋषभ पंत नेट्स में कर रहे हैं और उन गेंदों को ऐसे जाने नहीं दे रहे हैं, उन गेंदों को बाउंड्री पार भी भेज रहे हैं, यानी करारे शॉट खेल रहे हैं। हर कोई उनकी बल्लेबाजी देखकर हैरान है, कह रहा है ये तो वही ऋषभ पंत है जो 6 महीने पहले मैदान में दमखम दिखा रहे थे। तो ये खबर सुनने के बाद उनके फैंस हों या फिर दूसरे दर्शक, वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर ऋषभ पंत मैदान में वापसी कब करेंगे। तो आपको बता दें, ऋषभ पंत जिस स्पीड में रिकवरी कर रहे हैं वो कमाल की है। अगर ऋषभ पंत के डॉक्टर ये कह देते हैं कि अक्टूबर तक ये फिट हो जाएंगे, तब टीम इंडिया के स्क्वाड में उनकी वापसी हो सकती है, वरना वर्ल्ड कप से मिस कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के बाद जब टीम इंडिया T20 का दौरा शुरू करेगी, यानी कहे टीम इंडिया T20 सीरीज खेलना शुरू करेगी, तब उसमें ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दूं, ऋषभ पंत साल 2022 के दिसंबर के आखिरी दिनों में दिल्ली से रुड़की जाते वक्त चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन उन्होंने खुद, उनकी कार पे आग लग गई थी, लेकिन उन्होंने खुद से वो कार से बाहर निकले और किसी तरह से अपनी जान बचाई थी। उसके बाद उन्हें पहले देहरादून के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में ले जाकर भर्ती कर दिया गया। वहाँ पर वो थोड़े रिकवर हुए तो फिर उन्हें एनसीए भेज दिया गया और लगातार वो एनसीए पे अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। और उनके फैंस और हम सब यही चाहते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द फिट हो जाएं और टीम इंडिया में जबरदस्त वापसी करें। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं ऋषभ पंत की रिकवरी को, कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।